बस पूछ रही थी कि अभी कैन वी एक्सपेक्ट एनी कंक्रीट चेंजेस अपार्ट फ्रॉम एडवाइजरीज फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स एनी लॉकडाउनस और इवेंट्स दैट विल बी स्टॉप्ड और सिंस देयर वर वेरी स्ट्रांग वार्निंग्स इन दिस ब्रीफिंग तो देखिए एडवाइजरी और जो प्रोसेस है कोविड मैनेजमेंट का वह सेम ही है एक बड़ा एक सिंपल स्टेटमेंट अगर हम उसको कहें कि इट इज मोर ऑफ द सेम हमने देखा है कि जब भी एक सेंस ऑफ कॉम्पलेसेंसी आती है रिलैक्सेशन आती है कि सब ठीक हो गया है वह एक इम्पॉर्टेंट समय हो सकता है कि उस टाइम पर अगर हम कोविड सेफ बिहेवियर को फॉलो ना करें तो फिर से इन्फेक्शन फैल सकता है तो जो आज हम आपके द्वारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोविड खत्म नहीं हुआ है आने वाला जो तीन महीने हैं वह देश के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें मेजर फेस्टिवल्स मेजर वेडिंग सेलिब्रेशन और मेजर गैदरिंग्स पुराने समय पर होती रही हैं तो हम उसी को रिट्रेट कर रहे हैं प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द सेम काइंडली फोकस ऑन कोविड सेफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन जैसे हमने आपसे कहा है कि हम खुशियाँ बांटेंगे हम वायरस को बटने नहीं देंगे समाज में दूसरी चीज़ हमने आपसे रिक्वेस्ट की है उसी तरीके से वैक्सीनेशन को हम अपनी लाइफ में जब भी हमारे यहाँ प्रांत में वैक्सीनेशन हो उसके द्वारा अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट हैज रिमेड सेम दे आर पांच प्रिंसिपल्स अगर हम इससे पहले भी बात करते आए हैं वो पांचों प्रिंसिपल हैं टेस्ट टेस्टिंग पर फोकस बना रहे ट्रैक हम ये ध्यान रखें कि इन्फेक्शन को हम फैलने ना दें कंटेनमेंट जोन्स बनाएँ या स्पेशल टीम से हम फॉलो करें और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर करें ट्रीट यानी कि हम हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं ताकि अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाए तो हम उसको मैनेज कर सकें चौथा टीका या वैक्सीनेशन तो हम प्रिवेंटिव आस्पेक्ट के रूप में वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करें और पाँचवा सोशल वैक्सीन यानी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ये वैक्सीन प्लस सोशल वैक्सीन इसका कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि हम नेक्स्ट तीन महीने में जब देश में एक बहुत ही विस्तृत रूप में जब हम वैक्सीनेशन कर हम अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब हम सोशल वैक्सीन को भी अपनी लाइफ में अपनाकर इस तीन महीने में इंफेक्शन को फैलने से रोकें